पंथी सत्यापत्य शैली में बना आष्टा मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये मंदिर आस्था का भी बड़ा केंद्र है। और क्या क्या खास बातें हैं इस मंदिर की, देखिए इस रिपोर्ट में। जनश्रुति के मुताबिक मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। कहा जाता है कि देवी मां की कृपा से बड़े बड़े पत्थरों से विशाल मंदिर रात में स्वतः तैयार हो रहा था, लेकिन इसी दौरान बन रहे मंदिर पर लोगों की नजर पड़ गई। इसके बाद मंदिर का काम अधूरा रह गया। बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं आज भी मंदिर के आसपास बिखरी पड़ी हैं। वर्तमान में नजर आने वाला मंदिर विध्वंस के बाद बचने वाले अवशेषों के रूप में है। लोगों के इस मंदिर के विषय में अनेकों तर्क निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इस मंदिर के सही प्रमाण सामने नहीं आते। इतिहासकारों के मुताबिक 13वीं सदी में विदर्भ के देवगिरी यादव राजाओं का राज्य यहां तक फैला हुआ था। यादव राजा महादेव व रामचंद्र के मंत्री हिमांद्री ने यहां 8 मंदिरों का निर्माण वास्तुकला की एक विशेष शैली से कराया था। 8 स्थानों पर मंदिर का निर्माण होने के कारण इसका नाम बाद में आष्टा पड़ा। इसमें से अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो गए हैं। बचे मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित रखने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों का मानना है कि यहाँ की वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि इन मंदिरों का रख रखाव पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर का संरक्षण एवं रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चैत्र व शारदीय नवरात्र के दौरान यहां मेला आयोजित किया जा रहा है। जवारे व मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक आराधना और पूजन करने लोग देश भर से यहां पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में स्थापित ज्योति कलश जब एक साथ विसर्जन के लिए निकलते हैं तो यह नजारा अनूठा होता है। उत्तरमुखी माँ काली की 10 भुजाओं वाली पाषाण प्रतिमा के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष माता के भक्तों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। पुरातत्व अधिकारियों के मुताबिक आष्टा में 2 मंदिर और 1 मंडप मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति नहीं है। मंदिर की पिछली दीवार से सटी हुई उत्तरमुखी माँ काली की पाषाण मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चौकोर पत्थरों को एक के ऊपर दूसरा रखकर लोहे के शिकंजे से कसा गया है, जिससे उनका भार संतुलित बना रहे। मंदिर के गर्भगृह की दीवार चारों ओर से ऊपर उठते हुए सक्रिय होती गई, जिससे उसका शिखर अत्यंत भव्य और दर्शनीय हो गया है। मंदिर के शीर्ष पर आमलक भी है। बालाघाट जिले में आता है और बहुत पहले से 71 से हम लोग यहाँ रहे जाते हैं। माता रानी के दरबार में आओ, जो भी इच्छाएँ पूरी होती है और माई की कृपा से जो जिसकी मन्नत है उसे पूरी होती है। और ये मॉन्यूमेंट का अधीनस्थ है, तो इसमें क्या है कि एक हनुमान जी का भी मूर्ति है यहाँ पर, जो कि पूरब दिशा की ओर इनका मुख है। प्रचलित मंदिर है भी और शक्तिपीठ है, माता रानी का दरबार भी शक्तिपीठ है। और मेरा और मेरा परिवार, मैं कुछ स्वयं हर साल हर पर्व में आते हैं हम लोग और माता रानी का दर्शन करते हैं। अपनी अनूठी शैली और पुरातन होने के कारण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता रहता है। अगर सरकार इस मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करे तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सिवनी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकिशोर पाठक की रिपोर्ट। और अब उन्नाव से खबर है।